सभ्यता की शुरुआत से ही मनुष्य घरों में रह रहा है। लोग अपनी पसंद और सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग घर बनाते हैं। हालांकि असम के इस सुदूर गांव में लोग ऊंचे घरों में रह रहे हैं, जिन्हें टोंगी घर या असमिया में चांग घर कहा जाता है। हालांकि ग्रामीणों के पास अन्य लोगों की तरह अपने घर हैं, लेकिन वे सदियों से अपने सामान्य घरों के करीब बने इन चांग घरों या ऊंचे घरों में रह रहे हैं। गोलाघाट और असम के कार्बी आंगलोंग जिले की सीमा पर स्थित बरमहारी पाथर गांव के लोगों के लिए हालांकि चांग घर में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस सुदूर गांव के 45 परिवार मजबूरी में चांग घरों में रहते हैं। जंगली हाथियों द्वारा लगातार हमले ने इस गांव के निवासियों को चांग घर बनाने के लिए मजबूर किया है, जहां वे रात में सोते हैं। हम सभी चांग घर में रहते हैं। यहां बिजली नहीं है, हाथियों के लगातार हमले होते रहते हैं और इसलिए हम चांग घर बनाते हैं और जमीन से ऊपर रहते हैं। ऊंचाई आमतौर पर 25 फीट से ऊपर होती है ताकि जंगली हाथी नुकसान न पहुंचा सके। हम नीचे जमीन में खाना बनाते हैं, लेकिन सोने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है। हम सदियों से ऐसे ही जी रहे हैं। गांव के सभी 45 परिवारों ने चांग घर या टोंगी घर बनाए हैं, जो जमीन से कम 25 से 30 फीट ऊपर है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हाथियों के झुंड से मनुष्यों को नुकसान ना पहुंचे। जंगलों के करीब स्थित इस गांव में जंगली हाथियों के झुंड का साल भर आना आम बात है। गांव के लोग शाम ढलने के बाद चांग घरों पर चढ़ जाते हैं और सुबह होने तक वहीं रहते हैं। यहाँ मुद्दा जंगली हाथियों का है। हाथियों का झुंड शाम 6 बजे के आसपास जंगल से निकलता है, इसलिए हम उससे पहले अपना भोजन खा लेते हैं और शाम 6 बजे तक ऊंचे घरों पर चढ़ जाते हैं। घरों में जमीन पर सोना मुश्किल है, क्योंकि हमें पता नहीं हाथी कब हमला करेंगे, इसीलिए हम लोग टोंगी घर पर चढ़कर सो जाते हैं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और बेटी है। हम हमेशा यहाँ साल भर टोंगी घर में सोते हैं। यहाँ साल भर हाथियों के हमले होते हैं। कभी कभी हमारा मन करता है कि हम घरों में जमीन पर सोएं, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा है, इसलिए हमारे पास इन ऊंचे घरों में सोने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित गांव के लोग अब सरकार से मजबूत चांग घर बनाने की मांग कर रहे हैं, जो न केवल उन्हें सुरक्षित करेंगे बल्कि उन्हें चांग घरों की मरम्मत के लिए लगने वाली लागत से भी छुटकारा दिलाएगा। अभी इस सवाल का जवाब मुश्किल है कि बरमहारी पाथर गांव के लोगों की समस्याएं कभी खत्म होती है या नहीं। जवाब मिलने तक इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।